हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं आई हूँ अपने माइक के, और वहाँ पे आते ही मैंने देखा सबसे पहले जो है यहाँ पे बेसन गट्टे की प्रिपरेशन चल रही थी। कैसे कैसे बना रहे हैं, यहाँ पे बेसन गट्टे दिखाती हूँ। इस जार में अदरक लहसुन प्याज टमाटर सब कुछ पीस लिया है, और बेसन गट्टे बॉईल करके अलग कट कर लिए थे। कढ़ाई में डाल दिया जीरा, इसको अच्छे से भून जाने के बाद जो हमने वो मसाला रेडी करके रखा है वो डालना है। उससे पहले डाल दिए हैं कुछ खड़े मसाले। तो गाइज़, आते ही मेरे को ये सब मिली थी वीडियो, तो मैंने कहा क्यों ना शूट करके आपको के साथ रेसिपी शेयर कर लूँ। बाद में डाल दिए बारीक कटे हुए लहसुन, और इस वीडियो में मैं आती जाती रही, कभी किसी से मिलने कभी किसी से मिलने, तो बीच बीच में वीडियो मेरी स्किप होती गई। मैं पूरी रेसिपी आपको बता दूँगी। वैसे भी इसको डाल के अच्छे से पकाएँगे, और पकाते पका रहे थे जो, और मैं यहाँ से मतलब फिर से उड़न छू हो गई थी। ऊपर भाभी से मिलने चली गई थी, एक भाभी मेरे नीचे रहती हैं, एक ऊपर वाले फ्लोर पर रहती हैं, तो मैं कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे ही आ जा रही थी। इसी बीच ये सब्जी पक रही थी, और बीच बीच में वीडियो शूट हो रही थी। तो इसको खूब देर पकाया जाता है, इतना अच्छे से पकाया जाता है ताकि इसका ऑयल छूट जाए। मैंने थोड़ा पानी डाला था, देखिए अच्छे से पक गया है ये। बाद में इसमें डाल दिए गट्टे, और ये देखिए गट्टे की सब्ज़ी हो गई है बिल्कुल रेडी, और काफ़ी टेम्पटिंग बनी थी, और काफ़ी इंजॉय किया था खा के। मेरी तो भाई फेवरेट है। ऊपर से धनिया पाउडर डाला, यहाँ भाभी रोटी बना रही हैं, और यहाँ पे खाना डाल के मैं देके आ रही हूँ डैडी के लिए। मैंने कहा चलिए आज मैं डैडी को सर्व करूँगी, तो डैडी खाना यहाँ पे खा रहे हैं। और उसके बाद हम सब लोग ने, बच्चों ने तो अपनी बच्चा पार्टी कर ही ली थी, मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखा दिया था। फिर डैडी मेरे को अर्ली मॉर्निंग लेके गए थे ऊपर, अपनी जो उन्होंने ऊपर बागवानी की हुई है पूरी, वो दिखाने के लिए। देखिए गाइस कितना अच्छा छत का यूज़ किया गया है यहाँ पे, जहाँ पे टैंक की वगैरह रखी हुई हैं उधर ही इन्होंने इस तरीके से स्पेस निकाल के कितनी सारी वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स, बहुत ही खूबसूरत। तो इतनी सारी वेजिटेबल्स जो लगाई हुई थी, मैं डैडी से बारी बारी करके पूछ रही थी, आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। बहुत सारी वेजिटेबल्स लगी भी हुई हैं, जो जो अभी लगी हुई हैं फिलहाल। अभी डैडी मेरे को फ्लावर्स दिखा रहे थे कि ये प्लांट मैंने तेरे लिए रेडी किया है, और मैं वहाँ गलती से भूल ही आई, लाना ही भूल गई। नेक्स्ट टाइम जाऊँगी मैं अपना ये फ्लावर्स का पोट लेके आऊँगी, और चलिए आपको दिखाती हूँ आगे वेजिटेबल। पुदीना, डैडी किस चीज की बेल? तोरी है। अच्छा, तोरी की बेल। ये मरवा, टमाटर। हाँ, ये अच्छा, इसकी छाया कर रखी है। टमाटर ही लागे। हाँ, आई रे लग जैसे खूब ये हरे। और यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, शिमला मिर्च लगी हुई देखकर, बड़ी प्यारी सी, क्यूटू सी। और उसके बाद टमाटोज़ भी देखे थे, आपको दिखाते, कुछ हरे टमाटर थे कुछ लाल थे, जो लाल लाल थे उनको तोड़ के ले गए थे, और बहुत सारे चेरी टमाटो भी थे वो भी हमने तोड़े। और ये देखिए आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ये देखिए टमाटर, और यहाँ घर पे उगते हैं टमाटर, तो कच्चे और पक्के टमाटर की मिक्स करके बड़ी टेस्टी सी चटनी बनाई हुई थी। तो वो मैं रेसिपी आपको गाइस शेयर करना बिल्कुल मेरा रह गया वहाँ पे, और मैं वापस भी आ गई। तो डैडी मुझे दिखा रहे हैं, देखिए टमाटो हो गए हैं, तो इससे रेड होते जाते हैं, हम तोड़ के ले जाते हैं। और यहाँ पे ये देखिए कितने सारे रेड रेड टमाटो हैं, एक वो रेड, ये भी है रेड है ना, थोड़ा सा कच्चा है, थोड़ा सा कच्चा है, इसका फ्लेवर अलग होता होगा है ना। ये किस चीज के हैं रेडी? गवार है। अच्छा, गवार फली। गवार की फली। अच्छा, और ये खीरा। अच्छा, खीरा। ये भी इसमें तो है, मरुआ भी है, तुलसी। हाँ, ये ठीक है ना? हाँ। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? तो अब मॉर्निंग हो गई, रात में हम लोग सब बातों में लगे रहे, बहुत लेट हो गए थे सोने में, और मैं वीडियो बिल्कुल कंटिन्यू कर नहीं कर पाई। अभी मॉर्निंग में उठे हैं, और चलिए बच्चे तो सो रहे हैं, आगे क्या क्या करते हैं आपको दिखाती हूँ व्लॉग में, बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो उठ के चाय पी है, और घर में क्लीनिंग का काम चल रहा है। सुबह सुबह कोई मॉर्निंग रूटीन होता है वही। मैं जा रही हूँ अब नीचे।
देखे भाभी जीरा राइस बनाते हुए कहीं ना बुरी सी शक्ल में है, कहीं नहीं बुरी शक्ल, सब घर में ऐसे ही रहते हैं। कट्ठे बैठो ना तुम, सेम सेम टी शर्ट में कितने अच्छे लग रहे हैं, दोनों जोड़ले से लग रहे हैं जुड़वा। गया वो गया, पता नहीं क्यों गाइस, जब से मम्मी गई हैं तब से मैं अपने मायके में उस तरीके से नहीं रह पाती जिस तरीके से रहना चाहिए, मतलब उतना हैप्पीली नहीं रह पाती। फिर भी सब लोग मिल के इतना ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे अब कभी कहीं निकल जाते हैं किसी के यहाँ मिलने के लिए, कभी आपस में ही कोई पार्टी शार्टी कर ली, अभी जैसे सब लोग मिल के गोलगप्पे खाने के लिए जा रहे हैं, मतलब अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करना और हैप्पी रहने की कोशिश करना, लेकिन एक कमी है जो फिर भी खलती रहती है, लेकिन कोशिश जो है वो काफ़ी अच्छी है। सब लोग मिलके जा रहे हैं गोलगप्पे पार्टी करने के लिए, बच्चे लोग रेडी हो रहे हैं, काफ़ी खुश है, और एक मैं हूँ, मेरे मन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी उदासी सी, पता नहीं कि वो कब जाएगी, वो अभी भी थोड़ी रहती है, 4 साल से ऊपर हो चुके हैं, पर फिर भी मैं वहाँ जाके जरूर थोड़ी उदास हो जाती हूँ। चलो जी हम चले मिलके गोलगप्पे पार्टी करने, सारे बच्चा पार्टी, और हम लोग सब किसको क्या क्या खाना है, कौन किस किस चीज़ का शौकीन है भाई, गोलगप्पे भरवा गोलगप्पे पानी, ये तो टिक्की की शौकीन है कन्नू, तू तो देखो शाम का टाइम हो रहा है, लेकिन ये इस चिंता में है कहीं गोलगप्पे वाला चला ना गया, जो यहाँ का सबसे अच्छा बनाता है। पार बेचारे के पैर पकाट लिया किसी इंसेक्ट ने, उसको दवाई दिला खिलाया आज, और हम सब जा रहे हैं गोलगप्पा पार्टी करने, और वहाँ पे सब ने अपनी पसंद के खाए, जैसे नोनू ने जो कि मेरे भतीजा है और मेरी बड़ी वाली भाभी ने, इनको भरवा गोलगप्पे बहुत पसंद है, कन्नू को टिक्की बहुत पसंद है तो टिक्की खाई इसने, और मेरे को तो पानी वाले बहुत पसंद है, भाभी भी टिक्की खा रहा है, मेरे से पूछ रहा बुआ आप ले लो, लेकिन मैंने और छोटी वाली भाभी ने और मानवी ने जो कि मेरी भतीजी है वाली, और हम सब ने पानी वाले गोलगप्पे खाए, आधी पार्टी पानी वाले, फिर सारे आ गए घर पे आके, क्योंकि खा लिया था और डैडी का खाना भी रेडी हो गया था, डैडी ने भी खाना खा लिया था, फिर हमने खूब सारी बातें की, मस्ती करी, हॉल में बैठ गए थे ऊपर वाले हॉल में, जो मेरी भाभी का बेडरूम है काफ़ी बड़ा है, इसी में ही सब्जियों की कटिंग चल रही थी और बातें चल रही थी, और ऐसे ही बातें करते करते कब रात के 2-3 बज गए, रात को इतनी तेज़ बारिश आई कि बहुत ही तेज़, पूछो ही मत, और कब आते हैं और कब मायके में टाइम निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। ये मॉर्निंग का व्यू हुआ, मॉर्निंग में भाभी ने बनाई थी आलू पूरी, तो उसकी तैयारी हो चुकी है पूरी, इतने में ऊपर आई ना, इतने में भाभी ने पूरी प्रिपरेशन कर दी थी, तो मैं आई थी हेल्प करवाने पर सारा काम हो ही गया था, फिर मैंने कहा लाओ मैं पूरी उतरवा देती हूँ, तो मैंने यहाँ पे पूरी भाभी के साथ लग के सिखवा दी थी, और कन्नू जो मेरी बड़ी भतीजी है ये सर्विंग का काम कर रही थी, और फिर उसके बाद हम फिर से निकल लिए थे, अब आए हैं तो थोड़ा कुछ ऐसे ही चलता रहता है, बस खाया पिया नाश्ता किया, और झटपट से मैं एक आंटी से मिलने के लिए हमें जाना था, तो मैंने कहा चलो आई हूँ तो इस बार मैं ज़रूर मिल के आऊँगी, तो आंटी से मिलके आई थी, और शाम का हमें हमारा प्रोग्राम था अपनी बुआ के यहाँ जाने का, तो यहाँ आंटी के घर पे, ये मेरी आंटी है सामने ग्रीन दुपट्टे में, इनके यहाँ भी गेस्ट आए हुए थे, तो इन्होंने अभी ये नया नया घर बनाया, तो नया इनका हाउस अभी पूरा कंप्लीट, मतलब थोड़ा बहुत फर्निशिंग का काम रहता है, तो ये घर देखा, इनसे मिले, और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, और घर आते ही बुआ जी के घर जाने का प्रोग्राम बन गया था गाइस, और नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी बुआ जी का घर, वहाँ पे हमने क्या क्या किया, सारे लोग एक ही कार में फंस फंसा के घुस घुसा के,
पहुंच गए थे बुआ जी के घर, अचानक ही उनके यहाँ बिना किसी इन्फॉर्मेशन के अचानक ही धावा बोल दिया था। और उन्होंने क्या क्या प्रिपरेशन की, क्या हमारा वेलकम किया, वो नेक्स्ट व्लॉग में आप देखिएगा। उनके लिए तो बिल्कुल ही सरप्राइज़ था, अचानक ही पहुंच गई थी। तो गाइस उसके लिए फिर स्वीट्स भी लेनी बनती है ना, तो मैं यहाँ पर आ गई थी स्वीट्स लेने के लिए। पार्थ ने थोड़ी सी वीडियो शूट कर दी मेरी, और मिलते हो गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब हम वहाँ जाएंगे और खूब सारी मस्ती मजाक करेंगे, और क्योंकि मुझे सुबह सुबह निकलना है वापस दिल्ली के लिए। बहुत ही शॉर्ट ट्रिप के लिए मायके में आई थी मैं, और ये शॉर्ट ट्रिप कब कंप्लीट हो गया पता भी नहीं चला। देखिए कितने छोटे दो ही व्लॉग में मेरा ये ट्रिप ओवर हो रहा है। तो चलिए गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और देखो हमारी सारी पार्टी, हम पहुँच गए। चलो बच्चे, डैडी गए गाड़ी पार्क करने और हम चल दिए। चलो जी चलो।